नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी और आज की महत्वपूर्ण खबर आ रही है अल्मोड़ा नैनीताल के सीमावर्ती क्षेत्र मोहान से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मोहान क्षेत्र में IMPCL यानी कि इंडियन मेडिकल फार्माक्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी है। इसकी स्थापना 1978 में केंद्र सरकार ने की थी। IMPCL केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। IMPCL भारत सरकार का आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के निर्माण का एकमात्र संस्थान है। अब IMPCL को निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसका यहाँ के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के तहत आज फैक्ट्री कर्मचारियों ने मोहान स्थित आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि फैक्ट्री निजी हाथों में गई तो 500 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा जड़ी बूटियों की आपूर्ति से जुड़े हजारों किसान और ग्रामीणों की रोजी रोटी पर भी संकट आ जाएगा। IMPCL कर्मचारी संघ का कहना है कि फैक्ट्री मुनाफे में है और इसे निजी हाथों में देना अनुचित है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में फैक्ट्री ने करोड़ों का मुनाफा कमाया है और आने वाले समय में 500 करोड़ रुपए की औषधियों की आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं इस बारे में क्या बोले फैक्ट्री के आंदोलित कर्मचारी। अभी सर वर्तमान में 500 कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 से 10,000 के आसपास यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, जो कि स्थानीय जड़ी बूटियाँ संग्रहण कंडे घड़े और अन्य चीज़ें जो यहाँ सप्लाई करते हैं वो भी इस निगम से जुड़े हुए हैं। उनका रोजगार, उनके परिवार का भरण पोषण भी इस निगम से जुड़ा हुआ है। अगर इसका विनिवेश होगा तो स्थानीय रोजगार उससे प्रभावित होगा और पहाड़ों से पलायन की स्थिति बढ़ेगी। हमारे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं और एकमात्र ये इस निगम की वजह से हमारे कम से कम 50 ग्राम सभाओं के लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनका पलायन न हो इसके लिए हम यह आंदोलन कर रहे हैं। इस निगम को बचाने के लिए हम यह आंदोलन कर रहे हैं। जी, इसी में मेरा लालन पालन है और इसी से मेरा परिवार पलता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कंपनी को नहीं बेचा जाए और ना ही इसका प्राइवेटकरण किया जाए। मैं ये चाहती हूँ कि ये रोजगार हमेशा चलता रहे। इसमें हम बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं है, हम इसी कंपनी पर निर्भर हैं और हम सरकार से बार बार यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस कंपनी को बेचा ना जाए। इसमें बहुत से मजदूर हैं जो इनका पलायन भी इसी से चलता है, उनका घर इसी से चलता है सर। और इसके अलावा यहाँ पहाड़ में कोई रोजगार नहीं है और हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इसको ना बेचा जाए और सारे कर्मचारियों को इसी तरह कार्य अच्छे, हमारी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में काम कर रही है और इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।